आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ अपने शादी का एल्बम, जिससे कि आपको मेरी मायके ससुराल सब जगह की फैमिली देखने को मिलेगी। और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि आप अपना शादी का वीडियो एल्बम दिखाइए, तो मैं आज आपके साथ एल्बम शेयर कर रही हूँ। और आज भी ना मैं रोने लग जाती हूँ जब इसको देखती हूँ, क्या वजह मैं आगे बताऊँगी। तो ये देखिए, मेरी शादी कब हुई थी, 10 फरवरी 2015 को हमारी शादी हुई थी। और आपको मेरा नाम भी पता चल गया होगा, मेरा नाम क्या है। तो यहाँ से शुरू होता है फंक्शन, जो कि सगाई वाला होता है, लगन सगाई जो हमारे यहाँ होती है। ये देखिए, ये बीच में आपको दिख रहा है ब्लैक शर्ट में, ये मेरा भाई है चाचा का लड़का, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। उसका मैं फिर आपको कभी बताऊंगी कि क्या हुआ था। और यहाँ पे जो लगन सगाई का प्रोग्राम होता है, ये इनके यहाँ की सारी फ़ोटोज़ हैं। पहले लड़के वालों का आता है सारा कुछ, बाद में मेरे घर की आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आपको यहाँ कुछ मतलब देखिए ज़रूरी लोगों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती रहूँगी, सबको तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे चल रहा है जो सिक्का रखने वाला प्रोग्राम होता है वो। तो ये देखिए मेरे चाचा जी हैं जिन्होंने आगे से ये सब किया था, मतलब बैठ के जो होता है। और ये है मेरा भाई, और मेरा भाई एक ही है मेरे, मतलब एक ही भाई है, और हम दो बहनें हैं, तो वही है मेरा भाई मैंने जो भी आपको दिखाया। और यहाँ पे ये देखिए सिक्का वाला जो प्रोग्राम था वो हो रहा है, फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा लगन जो रखी जाती है उसका। तो ये देखिए, ये है मेरी, वैसे तो आपने देखा ही होगा, मम्मी, सासू मम्मी। और यहाँ से फिर दोबारा, मतलब ये बैठे हमारे आंगन है, जो आप आंगन देखते ही उसमें अंदर यहाँ लगन वाला जो प्रोग्राम होता है वो चल रहा है। और ये लगन वाला है ये जो कर रहे हैं, ये मेरे भाई भैया हैं ताऊ के लड़के। और ये है इनकी दादी, जो कि अभी तो नहीं है, अभी तो एक्सपायर हो चुकी हैं, दादी जी हैं इनकी, तो हमारी शादी पे थी क्योंकि मेरी शादी को तो 8वां साल चल रहा है। और यहाँ पे सब ये ससुराल वाली फैमिली है, जो जितने भी रिलेटिव्स आए थे, मतलब वही सब फोटोग्राफ्स वगैरह करा रहे हैं। तो ये यहाँ का होता है। और फिर बीच बीच में ना इस तरीके से हम लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह जो कराते हैं ना, वो वाली डाल दी हैं बीच बीच में एल्बम में। और ये हमारी फ़ोटो है जो अलग से कराते हैं। और उस टाइम पे ये सब कराने में ना मुझे बहुत अजीब जैसा लग रहा था, बहुत मुश्किल से ये फ़ोटो कराई थी मैंने। और ये यहाँ पे फिर शुरुआत होने लगी है, जो बारात जाती है तो उसके लिए तैयार होने लगी है। और जब बारात जाती है ना, तो दूल्हे को कपड़े पहनाते हैं, दूल्हे के जीजा जी, तो वही पहना रहे हैं। और यहाँ पे ये इनकी भाभी हैं जो आँखों में काजल लगा रही हैं, और ये इनके जीजा जी हैं। और थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर पूरा वीडियो नहीं देखते हो, नहीं तो फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, तो सब लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ अपना दादी का आशीर्वाद ले रहे हैं ये, फिर इसके बाद ये यहाँ निकल जाएंगे, जो गाँव में फेरी होती है इस तरीके से होती है, बारात जाने से पहले गाँव में फेरी निकलती है। और देखिए थोड़ा थोड़ा सा ना यहीं पे अंधेरा होने लग गया था, बारात तो काफ़ी लेट पहुंची थी क्योंकि निकलने में ये यहाँ से अंधेरा कर लिए थे, देखिए दिख ही रहा है। तो ये फेरी ऐसे इस तरीके से लगती है, और इसके बाद फिर ये आ गए यहाँ इनके गांव का, मतलब जो मंदिर होता है मंदिर में, तो मंदिर में पूजा करने के बाद फिर निकलेंगे। और ये है ना इनकी सबसे बड़ी बुआ है, और यहाँ पे मेरी सासू मम्मी है, चाची सास है, मतलब परिवार वाले सब लोग हैं, और कुछ रिलेटिव्स हैं साथ में, जो रिश्तेदार वगैरह शादी में आते ही हैं बहुत सारे, तो वो हैं। तो ये यहाँ का लास्ट फंक्शन चल रहा है, यहाँ से फिर इसके बाद बारात निकल जाती है, और यहाँ से फिर आपको देखने को मिलेगा मेरे यहाँ का। ये देखिए इस तरीके से कुछ मेरी गाड़ी सजी थी, यहाँ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल मतलब बारात निकल गई है, बारात पहुँच गई है हमारे यहाँ। तो ये हमारे यहाँ के शुरू हो गए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको घराती बराती सब देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेरी चाची हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, वो साइड में मेरे मामा जी हैं ऊपर। और बीच बीच में देखिए हमारी कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ डाल दी थी। और यहाँ पे फिर इसके बाद मतलब जैसे खाना पीना था, नाश्ता था, पहले नाश्ता की है बारात, फिर उसके बाद जो गांव में फेरी लगती है बारात की, चढ़ाई जैसे बोलते हैं, तो वो चढ़ाई की फ़ोटो हैं कुछ, देखिए इस तरीके हैं। यहाँ पे सब डांस वगैरह कर रहे हैं, और ये हो रही है चढ़ाई यहाँ पे। और इस टाइम मतलब मेरी रात की शादी थी, नाइट की होती है वैसे तो शादी, कोई कोई दिन का भी होता है। ये देखिए मेरे देवर जी हैं जो अभी ना काफ़ी चेंज हो चुके हैं, अभी आप देखोगे तो, क्योंकि ये उस टाइम पे थोड़े छोटे थे, 7-8 साल में काफ़ी ये सबसे ज़्यादा चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सब डांस करने में लगे हुए हैं, और शादियों में तो ऐसा होता है किसी से आए ना आए, बस सबको अपने हाथ पैर फेंकने ही होते हैं। तो यहाँ फिर अभी हो रही है फेरी, और ये देखिए मेरे चाचा जी और मेरे भैया खड़े हैं ताऊ के लड़के, क्योंकि मेरे पापा, मैंने आपको भी बताया है, 5 भाई हैं, तो हम
कई सारे भाई बहन हैं मायके में, और यहाँ पे कुछ ना लेडीजें बारात में गई थी, मतलब ये देखिए ये है मेरी दीदी, क्योंकि हम दो ही बहनें मैंने बताया, तो ये मेरी दीदी हैं और ये सब मेरे ताऊ वगैरह की, चाचा उनकी लड़की हैं, मतलब सब मेरा ही परिवार है यहाँ पे। और ये दरवाजे की कुछ रस्म होती है, तो यहाँ मेरी दीदी को ऐसे नेक दिया जा रहा है, ऐसे लेके आते हैं, मतलब तो यहाँ पे हो रही है जिसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं वैसे दरवाज़ा और बारोटी भी बोलते हैं, तो बारोटी हो रही है फेरी लगने के बाद यहाँ पर। और यहाँ पे फिर शुरुआत हो गई है माला पे जाने के लिए, ये है मेरी मौसी की लड़की। और यहाँ पे मेरे जो सामने में मेरे ताऊजी का घर था, वहाँ पे मेरी माला का प्रोग्राम था, अपने घर में नहीं था क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाती इस वजह से। तो ये मेरी दीदी है साथ में, और यहाँ देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेज पे, और इन्होंने ना ये टावल पता नहीं किसने डाला और क्यों नहीं हटाया, काफ़ी इनसे मतलब थोड़ा सा इशारे विशारे किए गए लेकिन इनको समझ में नहीं आया, पूरे फोटोग्राफ्स गंदे लग रहे हैं, टावल हटा ही नहीं है। यहाँ पे हमारी माला हो गई थी और मैं इतने गुस्से में नज़र आ रही थी, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको कभी बताऊंगी, मेरे फोटोग्राफ ना सारे ख़राब हो गए कि मैं काफ़ी गुस्से में थी, वो कुछ हुआ था हमारी शादी में इसकी वजह से, तो मूड बहुत ऑफ हो गया था शादी वाले दिन। ये मेरे मामा जी और ये आशीर्वाद वगैरह होने लगा है ना, तो चाचा चाची मामा जी, और ये देखिए ये हैं मेरे मम्मी पापा जो आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे, मिल लीजिए आप मेरे मम्मी पापा से भी। और फिर इसके बाद जितने भी सारे हैं, मतलब काफ़ी सारे थे, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, ससुराल वाली फैमिली से कम ही थे आशीर्वाद देने वाले, क्योंकि वहाँ पर बारात वगैरह जब तक वापस हो गई थी, कुछ ही लोग मेन मेन घर के बचे थे बस, जब हमारी जयमाला का प्रोग्राम हुआ था। ये मेरे दीदी जीजा जी, यहाँ पे बुआ की लड़की, और ये मतलब सब लोग जितने भी थे जो, और ये मेरे चाचा की लड़की हैं दोनों, ये जो नीचे में है इधर साइड, लेकिन अभी तो इनकी भी शादी हो चुकी है, तब तो मेरे से छोटी थी ये, तो इन लोगों की शादी नहीं हुई थी। और ये देखिए पूरा यहाँ पर जितना भी है सारा, ये जयमाला का वो चल रहा है, मतलब आशीर्वाद वगैरह। यहाँ पे मेरा भाई है, मेरी बुआ का लड़का और ताऊ का लड़का, और कुछ इस तरीके से नॉर्मल तरीके से स्टेज सजी थी, मतलब गांव में जैसे होती हैं, और 8 साल बीत चुके हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं अब और उस टाइम में, तो ऐसी कुछ इस तरीके से हुई थी मेरी शादी। और यहाँ पे मेरी मौसी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये हैं सब ससुराल की फैमिली से जो लोग, मतलब जो लड़कियाँ बारात में गई थी, सारी लड़कियाँ थीं, बहू कोई नहीं थी, तो ये वो लोग हैं। और इसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे कन्यादान और वो सब होते हैं फेरे वगैरह, ये मेरे आंगन है गांव का, मतलब घर का आंगन में। तो यहाँ से देखिए इधर से हो गई है मेरी शुरुआत आने की, यहाँ पे पता नहीं ऐसे हाथों में अनाज लेके आते हैं, तो मैं आ चुकी हूँ। और उससे पहले कुछ होता होगा, इनको पहले बैठाया गया था, और ये यहाँ पे चल रहा है कन्यादान। और सबसे पहले ना माँ बाप कन्यादान करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं, और ये ना बहुत इमोशनल मोमेंट होते हैं, अगर आप वीडियो देखने लग जाओ तो मतलब अभी भी रोना जैसा आ जाता है। तो यहाँ पे सारी ये फिर मेरे मामा जी किए हैं, क्योंकि मम्मी पापा के बाद मामा ने किया, फिर जितने भी रिलेटिव्स वगैरह थे वो सब ने किया है। ये मेरे चाचा चाची हैं, तो यहाँ पर कन्यादान वाला चल रहा है, मेरी दीदी हैं, उन्होंने ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि जब मेरी दीदी का ना लड़का बहुत छोटा था 4 महीने का। और यहाँ पे देखिए अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ना हमारा सब कुछ ख़राब कर दिया था उसने, वीडियो वाले ने, जिसे देख के मुझे आज भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोना आता है। फेरों के टाइम से उसका पता नहीं क्या कुछ ख़राब हो गया था, तो न तो वीडियो उसके बाद की है न फेरे हैं, देखिए यहाँ पे चल रहे हैं मंगल फेरे, तो बस एक दो ही, और इधर हो रहा है सिंदूर दान, यहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी फोटोग्राफ्स हैं क्योंकि वीडियो में पूरा होता है, लेकिन वीडियो है नहीं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हो रही मेरी सिंदूर वाली रस्म, और फेरे हो गए हैं, और फिर इसके बाद में एक दो फोटोग्राफ्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये देखिए यहाँ पर कुछ सुबह में एक होता है ना टीका होता है, तो उसकी, और इसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो बताइए यहाँ पे होती है मेरी हैप्पी एंडिंग एल्बम की, लेकिन थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, आज मैंने शेयर किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें आप सब।